मोदी जी थे, बाकी पंडित है राम राम नाम। ये बोल के कुछ कर रहे थे। हाँ। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ नहीं होता। हाँ। साथ में सीता होनी चाहिए थी, तब होता है यज्ञ पूरा। मैं दिखी नहीं, प्रतिदिन पूजा हो गई, भूकंप आ गया, आग लग गई। अरे मोदी जी तो भाव, अरे जब भी देखो मोदी जी रोते ही तो रहते हैं ना। हाँ। राम हम भी भावुक हो गए, हम तो मूर्ति में देखे ही नहीं कि राम की छवि है। हम तो देख करके अरे बाप रे बेड़ा गर्द कर दिया। साउथ के लोगों को वोट लेने के लिए साउथ के पत्रों को पुजवा दिया। अरे आपको नहीं पता था तो अवध के लोगों को निमंत्रण देते और उसने फिल्मी स्टारों को न्योता दे दिया। हाँ, फिल्मी स्टारों को दिखा रहे हो कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे राम भगवान को, अगर आप 18 साल से 20 साल से युवा हो, राम को क्या जानो। राम को हम जानते हैं नील श्याम वर्ण में। रामचरितमानस उठा के देख लो कि उनकी पाल्ले में भी फोटो कैसे बनी है। और सुनो, जो राम भगवान का हमारा झंडा जो पूरे देश में लेके फिरे है, उसमें भी देख लो राम की मूर्ति में नीला वर्ण है कि नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कैसे भूल गए, हमारे भगवान काले नहीं थे। हाँ। हमारे भगवान नील श्याम वर्ण के थे। हमारी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है ही नहीं। हाँ। जिनको मानना है माने, हम तो अपने राम लला को मानेंगे। जिन राम लला ने इतने दिन तक इंतजार किया, टेंट में बैठ कर के मुकदमा लड़ा, उन राम लला को हमारे न्याय मिलना चाहिए। मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, एक दो महीने और रुक जाते हैं। रामनवमी वाले दिन करते हैं, रामनवमी वाले दिन करते हैं, उस दिन भगवान राम का जन्म होता है। मोदी ने कितने लेट के आशीर्वाद लिया आपने। अरे प्रोटोकॉल का नहीं पता, प्रोटोकॉल क्या होता है मोदी जी को ये पता है कि मुझे अपनी मनमानी करनी है। कमांडो को भी उन्होंने धोती कुर्ता पहनवा दिया। वो करते हैं अपनी मनमानी है, यही तो है। वो हमारे हिंदू जो है ना, वो इतने इमोशनल हो गए हैं, उनको इमोशनल करके उनके पीठ पे छुरी पे गोपी जाती है। वोट झूठ झूठ बोल बोल के वोट मांगे जाते हैं, राष्ट्रपति को नहीं पूछते। आप ये बताइएगा वहाँ पर जाकर भी, ये जो है ये सिर्फ इनको, अगर इनको अपना वो दिखाना है ना, तो ये कुछ भी दिखा सकते हैं मदर के सामने। प्राण प्रतिष्ठा में आज नहीं कोई भी नहीं आया, सिर्फ ये अभी पैसे वाले लोग, आम जनता। एक भगवत जी थे, एक मोदी जी थे, बाकी पंडित थे। राम राम नाम। क्या बोल के कुछ कर रहे थे। हाँ। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता। हाँ। साथ में सीता होनी चाहिए थी, तब होता है ये यज्ञ पूरा। योगी जी ने कहा है आज से राम राज आ गया। हाँ, आ गया, तुम भी देख लेना ना। हाँ। अभी तो कटोरे आएंगे लोगों के हाथ में। हाँ। अभी तो कटोरे लाएगा मोदी, जो इतने मंदिर पैसे कटोरा नहीं 5 किलो। हाँ दे रहे, हम हमारे को तो नहीं आता। कांग्रेस के शासन में, जो राशन कार्ड बने थे ना, कांग्रेस के शासन में जो राशन कार्ड बने थे ना, उन्हीं पे सुविधा मिल रही है। हाँ। इन्होंने एक भी राशन कार्ड नहीं बनवाया। हाँ। राशन का मतलब क्या होता है? मेरे का बोल रहे थे कहाँ दे बच्चे। मेरे घर में 20,000 रुपए का राशन आता है एक महीने का। तो मोदी जी 20,000 रुपए का राशन बनवाए ना, 5 किलो अनाज से क्या होगा? 5 किलो आटे में सबका दुनिया का घर पूरा जाएगा। कटोरा पकड़ा दे, बिजनेस खत्म, छोटे व्यापारी रो रहे हैं, पूरा देश नाश कर दिया। जब 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं ना, वो पहले खाद की बोरी 50 किलो की आती थी, अब 40 किलो की आती है, ठीक है ना। और तेल जो था 60-61 रुपए डीजल था, आज वो 100 रुपया है, ठीक है ना। तो किसानों का क्या फायदा, उन्हीं का तो अन्न है। 2,000 रुपए भी तो दे रहे हैं। 2,000 रुपए नहीं चाहिए हमें। हाँ। हमें 2,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, जो हमारे बच्चों के भविष्य हो, ठीक है ना। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। 80 करोड़ जनता गरीब है, जो 5 किलो अनाज पे पल रही है। ये देश, भारत देश हमारा इतना गरीब है कि जो आज 5 किलो अनाज पे, मतलब उसका विपरीत हो रहा है। खाली 5 किलो गेहूँ, 5 किलो अनाज जो है, उसी पे गुजारा होगा। अगर जिस परिवार में 10 परिवार हैं। लेकिन क्या लग रहा है, राहुल गांधी पे हमला हुआ, ये गलत नीति है इनकी, बीजेपी वालों की। हाँ। हमला नहीं करना चाहिए, बीजेपी अपना काम कर रही है, ठीक है। राहुल गांधी अपना, तो राहुल गांधी की जान को भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है। हाँ। बिल्कुल खतरा है। इसी तरह से इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। हाँ। इसी तरह से इंदिरा गांधी को जो गोली लगी थी, इसी तरह से लगी थी। हाँ। आज राजीव गांधी अपने जान पे खेल के पब्लिक के साथ, गरीबों के साथ मिल रहे हैं। हाँ। वो अपना, अपनी आवाज को, जो मीडिया हाँ। हमारी आवाज नहीं पहुंचा पाती है। हाँ। वो राहुल गांधी काम कर रहे हैं। जीवन जनता का पैसा लगा हुआ है। हाँ। राम भक्तों का पैसा लगा हुआ है। हाँ। राम के आस्था को जो मान रहे हैं, राम थे हैं और रहेंगे, उनका पैसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की, हम कोई बात की कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये जानना आवश्यक था कि राम भगवान कैसे आए थे, किस वर्ण में पैदा हुए थे। उस तरह की मूर्ति अगर अयोध्या में स्थापित करते। हाँ। तो आज नजारा कुछ और होता। ये सच्चाई है हमारे हिंदुओं की। आप चाहे जिसको बैठा दोगे राम मंदिर के नाम पर, हम उस, ये भारत देश है,
यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर कोई हट नहीं सकता। आपने राम को स्थापित कर दिया तो लोग राम के आस्था से पूजेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कभी भी अगर सरकार हमारी बदली तो हम अपने नील श्याम वर्ण वाली मूर्ति को वहाँ स्थापित करेंगे। बकायदा शंकराचार्य जो चारों पीठ के हमारे शंकराचार्य है उनके द्वारा स्थापित कराएंगे, इसलिए कि उस मूर्ति में मुझे श्याम वर्ण चाहिए जो जिससे राजा रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाने जाते हैं, उस तरह इन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई जो आप। दूसरी बात, मोदी जी ने हमारे राम भगवान को अमर्यादित कर दिया, इसलिए अमर्यादित कर दिया। राम भगवान की पूजा जो है जोड़े से होती है, जो कि अश्वमेघ यज्ञ हमारे राम भगवान किए थे तो उनकी पूजा जो है जोड़े से होनी थी। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज जी बिना जोड़े की पूजा अश्वमेघ यज्ञ में नहीं हो सकती, तब उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो कहा सोने की सीता बनवा करके अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करो। तो जब राम भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ में सोने की सीता बनवा के और पूजा की, तो इनकी पूजा कहाँ से सफल हो जाएगी? देखिए एक न्यूज गायब है जिस तरीके से। देखिए हम बता दे रहे हैं, हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि ये पूजा असफल होगी, ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगी, राम के प्राण नहीं आएंगे जब तक जोड़े से नहीं। देख लीजिए 7,000 लीटर जल गया, ज्योति जो अखंड ज्योति बनाई थी 7,000 लीटर तेल वहाँ जल गया, ज्योति नहीं जली। पहला असगुन, दूसरा असगुन भूकंप आया। तो ये जिस दिन, और तीसरा जो ये कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठित हुई, जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है जब उसकी पट्टी खुलती है तब शीशा टूटता है। क्या शीशा टूटा? शीशा टूटता दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो ये जो मूर्ति है हमारी आस्था के नाम पे इन्होंने वहाँ पर जो है प्रतिष्ठित कर दिया है, लेकिन जो राम भक्त को, जो राम को मानने वाले हैं, जो राम को जानते हैं, वो कभी जो है इस मूर्ति में राम भगवान को नहीं देखेंगे, सच्चाई है। लेकिन कहा जाता है अगर दिया बुझ गया तो पूजा खंडित हो गई। खंडित हो गई, ये सच्चाई है, पूजा खंडित हो गई है। जो वेद पुराण को मानने वाले हैं, जो शास्त्रों को मानने वाले हैं, उन्हें पता लग गया है कि जो है मूर्ति में प्राण स्थापित नहीं हुआ, ये सच्चाई है। तेरी प्राण स्थापित नहीं हुआ, विवेक उपराय भावुक होके बाहर आके कह रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है, देखो मुस्कुरा रहे हैं। देखो सनातन धर्म में जो रहने वाला है, जो हमारे भगवान के समान शंकराचार्य है, उनको नहीं बुलाया गया। मार्केटिंग करने के लिए आपने फिल्मी स्टारों को न्योता दे दिया। हाँ, फिल्मी स्टारों को दिखा रहे हो कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे राम भगवान को, अगर आप 18 साल से 20 साल से युवा हो, राम को क्या जानो? राम को हम जानते हैं नील श्याम वर्ण में। रामचरितमानस उठा के देख लो कि उनकी पालने में भी फोटो कैसे बनी है। और सुनो, जो राम भगवान का हमारा झंडा जो पूरे देश में लेके फिरे है, उसमें भी देख लो राम की मूर्ति में नीला वर्ण है कि नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कैसे भूल गए, हमारे भगवान काले नहीं थे, हमारे भगवान नील श्याम वर्ण के थे। हमें तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल कराएंगे, हमारी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है ही नहीं। जिनको मानना है माने, हम तो अपने राम लला को मानेंगे, जिन राम लला ने इतने दिन तक इंतजार किया, टेंट में बैठ कर के मुकदमा लड़ा, उन राम लला को हमारे न्याय मिलना चाहिए। उन राम लला को हमारे न्याय नहीं मिला। सर कह रहे राम राज की शुरुआत हो गई। अरे भैया शुरुआत करते रहे ये लोग तो डेली राम। अरे राम के वसूलों को मानो ना, मार काट रेप हत्या बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए। राम राज्य, राम राज्य में एक धोबी ने आवाज उठाई थी हमारे सीता माँ के चरित्र को लेकर, एक धोबी ने आवाज उठाई थी और राम भगवान ने उस धोबी के बात से आहत होकर के सीता को वनवास दे दिया। तो ये राम राज्य कल्पना करते हैं, राम राज्य कभी नहीं ला पाएंगे, ये असुर राज लाएंगे। हमारे शंकराचार्य ने सही कहा कि उस मूर्ति में असुरी माया, असुरी माया जो है उस मूर्ति में रहेगी। सच्चाई ये है, राम राज्य लाने के लिए इन्हें जो है राम बनना पड़ेगा, राम के मर्यादा को लेकर चलना पड़ेगा, जो कि कोई मर्यादा राम प्राण प्रतिष्ठा में दिखी नहीं। पतिबिन पूजा हो गई, भूकंप आ गया, आग लग गई। अरे मोदी जी तो भावुक, अरे जब भी देखो मोदी जी रोते ही तो रहते हैं ना। राम, हम भी भावुक हो गए, हम तो मूर्ति में देखे ही नहीं कि राम की छवि है, हम तो देख करके अरे बाप रे बेड़ा गर्द कर दिया। साउथ के लोगों को वोट लेने के लिए साउथ के पत्रों को पुजवा दिया। अरे आपको नहीं पता था तो अवध के
लोगों को निमंत्रण देते और उनको बुलाते हैं, भाइयों आदिवासियों आ जाओ, राम भगवान कैसे थे, चंपत राय जी थे, चंपत विष्णु जी का अवतार है। देखो चंपत राय को जो बोलना है बोले, हम चंपत राय को ये बता देना चाहते हैं कि आप फेल हो गए, आप राम को नहीं ला पाए, जीत गए डंका बजा। अरे डंका कब ने बजा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया, मंदिर तो जिसकी सरकार होती वही बनाता। तो अच्छा सुनो, बनाया तो नहीं ना जनता, सुनो इतने सालों से तो नहीं बना, प्राण प्रतिष्ठा राम की चूर हुआ अभिमान, बिन पत्नी पूजन संभव नहीं, कहाँ गए जजमान, अनिल मिश्रा को जजमान बना करके और मीडिया पे चलवाया कि अनिल मिश्रा पूजा करेंगे, हमारे ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, हमारे ब्राह्मणों का सम्मान का हनन किया गया है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी जब तक हमारे ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी, ब्राह्मणों का अपमान ये साध्वी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह सच्चाई है। कर रही हैं आप मोदी जी को, बिल्कुल करेंगे जी, जिस दिन हमारे राम जो टेंट वाले राम है जिन्होंने मुकदमा जीता है, जिस दिन वो आकर वहाँ बैठ जाएंगे, उस दिन मैं मानूंगी कि हमारे राम आ गए, हमारे राम को न्याय मिल गया, लेकिन इनका यह कहो कि इनके ढकोसले से राम आ जाएंगे तो नहीं आएंगे, सच्चाई।